press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. योग दिवस मना रहे हैं पतंजलि योग समिति की हम अपनी क्षमता का ध्यान रखें, कोई भी अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। शिल्पा जी बहुत सक्षम है तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से कर पाए, हमारे काफ़ी सारे यहाँ पर जवान हैं CISF के शक्तिशाली हैं, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जाकर रुके हैं, तान को महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से जागरूक हैं, फिर एक बार गर्दन को बीच में लेकर आएंगे। अब जो है गर्दन को हमें चारों दिशा में घुमाना है, तो जब भी हम कहा जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है उन्हें गर्दन नीचे की ओर नहीं लेना है, तो इस सावधानी को साथ में उसके प्रति जागरूक रहते हुए गर्दन को नीचे की ओर लिया, सांसों को बाहर निकालते हुए, सांसों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। बहुत धीरे धीरे हमारी गर्दन से वो नर्व पास होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो इस तरह से गर्दन को चार बार पांच बार हम गोल घुमाएंगे पूरी तरह से। बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट है, कहीं पर भी झटका नहीं है, सहज आप पूर्ण आनंद के साथ, जहां आनंद नहीं है वो योग नहीं है। तो इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम का जब हम नित्य अभ्यास करते हैं तो जिन्हें गर्दन की तकलीफ रहती है, स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ रहती है, फ्रोजन शरीर से घुमाते हैं तो हमारे मेरुदंड में जो सर्वाइकल रीजन है उस रीजन से जो नर्व्स निकलती हैं
वो जो संवेदना को लेकर जाती है वो रेगुलराइज हो जाता है, बराबर हो जाता है, और जो जिसकी गैप गड़बड़ हो जाती है वो गैप भी धीरे धीरे सामान्यता की ओर लौट जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस में वही होता है कि गर्दनों में दर्द होने लग जाता है। आप फिर एक बार सामान्य कर लेंगे। अब जो है हमारे गर्दन के अभ्यास पूरे हो गए, अब हम हमारे कंधों के लिए व्यायाम करेंगे। तो ये सूक्ष्म, क्योंकि हमारे शरीर में जो डिजीज होते हैं, रोग होता है, तकलीफ होती है, उसके मूल रूप से तीन कारण होते हैं, मिसयूज, डिसयूज या फिर ओवरयूज। अगर हम शरीर के हिस्सों को अगर उपयोग में नहीं लाएंगे तो भी हमें समस्या होगी, शरीर के हिस्सों को गलत तरीके से उपयोग में लाएंगे तो भी तकलीफ होगी, और शरीर के हर हिस्से को हमें संयमित ढंग से बराबर बराबर उपयोग में लाते रहें। तो आइए पैरों में थोड़ा सा फासला ले लेंगे और हाथों को साइड में इस तरह से उठाते हुए, और जब उठाएंगे तो हमारे हथेलियां गोल घूम जाएंगी और पूरी तरह से ऊपर की ओर तान देते हुए, पूरी तरह से स्ट्रेच देते हुए उसे महसूस करेंगे। उस तान को आप पाएंगे आपकी कमर से लेकर ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से तानग्रस्त है, स्ट्रेच में है, लेकिन वो स्ट्रेच भी आपका आनंददायक है। बस हाथों को अपनी सामान्य स्थिति में लेते हुए और फिर नीचे की ओर लेते गोल घुमाइए। तो कुंभनियों को जितना साथ में रख सकते हैं उतना साथ में रखते हुए पूरी तरह से ऊपर की ओर लेना, कंधों को जितना पीछे ले सकते हैं उतना पीछे, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए चेस्ट को सहजता पूर्वक एंड आनंद लेते हुए, आनंद की अनुभूति लेते हुए तीन तीन बार घुमा लेंगे इस तरह से आगे की दिशा में, और फिर विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से पीछे की ओर गोल घुमा लेंगे। तो पूरी तरह से ऊपर, जब पीछे जाए तो पूरी तरह से पीछे, जब साइड में आए तो पूरी तरह से साइड में, इस तरह से पूर्ण अनुभूति के साथ, आनंद के साथ हर अभ्यास को हम पूरी तरह से आनंद लेते हुए करेंगे। कटिचालन अर्थात हमारा जो वेस्ट है उसको मूवमेंट देना। तो हाथों को सामने की ओर ले, थोड़ा पैरों में फासला ले लेंगे लगभग 8 से 10 इंच का, हाथों को सामने की ओर खोलेंगे और फिर अपने वेस्ट को ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में आप जा रहे हैं, कंधा गर्दन हमारा पूरी तरह से गोल घूम गया है, मेरुदंड में एक ट्विस्ट आया है, आपकी स्पाइन पूरी तरह से ट्विस्ट हो गई है, अंतिम स्थिति में आपके कंधों तक आपका हाथ गया हुआ है, उस स्थिति में मेंटेन करते हुए और फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में, शुरुआत वाली स्थिति में लौटते हुए इसी तरह से दूसरे साइड में। तो इससे हमारा मेरुदंड पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है, वेट पर फैट्स जमा है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारे पेट के क्षेत्र में जो तनाव आ रहा है उसके कारण पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से रिजुनेट हो जाएंगे। चलते हुए अब हम घुटनों के लिए अभ्यास को करेंगे। तो फिर एक बार पैरों में लगभग 1 फीट का 10 इंच का फासला, जिनके पैरों में दर्द रहता है, घुटने कमजोर हैं, वो जरा सावधानी पूर्वक करें। इस स्थिति में फिर एक बार हम रुके हैं, महसूस कर रहे हैं बैठने का अभ्यास करते हुए, और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आ जाएंगे, नीचे लेंगे। चूंकि समय थोड़ा सा सीमित है तो हम तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक एक काउंट ही हम अभ्यास कर रहे हैं। आइए अब हम खड़े होकर करने वाले आसनों की ओर बढ़ते हैं। तो खड़े होकर करने वाले आसनों में सबसे पहला, सिस्टमेटिक वे में बहुत स्टडी करके लगभग हमारे देश में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं के जो वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ये पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है, और ये वृक्ष होता है जो ऊपर की ओर बढ़ता है।